नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और साफ तौर से शुरुआत होगी बाजार की चाल के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का जो संकट है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार पर इसका साफ तौर से असर, निफ्टी की अगर बात करें दिन के निचले स्तरों से करीब 250 अंकों की तो सेंसेक्स में देखे तो लोअर लेवल से लगभग 900 अंकों से ज्यादा की रिकवरी हमने देखी है और आखिर में निफ्टी 114 अंक गिरकर 17,092 के स्तर पर बंद हुआ है। लेकिन इसके अलावा दिन भर का आज का पूरा माहौल बाजार में कैसा रहा, कारोबार के लिहाज से आज का दिन कैसा रहा, हमारी सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। ओके, तो दिन भर बाजार में हमने देखा बेहद वॉलिटाइल कारोबार देखने को मिला। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो थे पूरी तरह से बाजार को इम्पैक्ट करते हुए दिखे। आज सुबह जब एशियाई बाजार में हमने ट्रेड्स देखे कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखी और उसी के साथ साथ हमने भारतीय बाजार में भी एक कमजोरी जो है वही देखी। जब बाजार खुले तो बिल्कुल कमजोरी के साथ हर सेक्टर हर पॉकेट में कमजोरी देखने को मिल रही थी। एकमात्र स्टॉक जो कि तब परफॉर्म कर रहा था ONGC, उसमें हमने तेजी देखी। उसके अलावा शुरुआत जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होती हुई दिखी। ऐसे में अगर क्लोजिंग को देखेंगे, क्लोजिंग में 57,300 के लेवल्स पर करीब 382 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। 114 अंकों की वीकनेस हमने निफ्टी में देखी 17,092 के लेवल्स पर। एक समय ऐसा भी था जहां बाजार ने रिकवरी देखी, कोशिश की यहां पर ऊपर आने की, कामयाबी भी मिली, लेकिन वहां से फिर से गिरावट जो है हावी होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी जो कि कल बाजार को संभाल रहा था, हमने देखा कि ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल आज रिकवर नहीं कर पाया और कमजोरी पूरी तरह से वहां पर भी हावी होती हुई, क्लोजिंग के वक्त भी बिकवाली का दबाव ही झेलते हुए क्लोज हुआ। इस बीच अगर हम देखें बाजार में महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक थे जो कि परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज जो दिखा, हमने देखा आयुष मोटर, हीरो मोटोकॉर, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स रहे। ऑफकोर्स ONGC कह सकते हैं आज दिन की शुरुआत से लेकर क्लोजिंग तक ONGC का काउंटर जो है इंटैक्ट तेजी दिखा रहा था। इस बीच रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर देखा। हिंडाल्को, नैल्को जैसे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ट्रेडिंग देखने को मिली। दिन भर इन स्टॉक्स में मोमेंटम कायम रहा और हमने क्लोजिंग के वक्त भी हरे निशान के साथ यहां पर ट्रेड्स देखे। इस बीच निफ्टी के लूजिंग कैंडिडेट्स अगर देखें, TCS का काउंटर देख लीजिए, लाल निशान के साथ क्लोजिंग दिखी। BPCL में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप में काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखने को मिले, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिन के दौरान जरूर दिखा, जिसमें निपॉन लाइफ, चोला इन्वेस्ट, एम्फासिस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स शामिल रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच मोमेंटम बेस्ड कारोबार देखने को मिला। साथ ही मिड कैप के लूजिंग कैंडिडेट्स जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर अमूमन हम देखते हैं बाजार को संभालने का काम करता है, इस वक्त वो भी बाजार को नहीं संभाल पाया। प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक बिकवाली का दबाव झेलते हुए करीब 4% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। ICICI सिक्योरिटीज, डालमिया भारत, CG कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब मेजर लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, लूजिंग सेक्टर्स में सबसे आगे था IT सेक्टर। जी हां, निफ्टी IT स्पेस में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ऑफकोर्स ग्लोबल कंसर्न्स के साथ कनेक्टेड है ये सेक्टर और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी होना इस सेक्टर के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। 342 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी IT इंडेक्स भी क्लोज होता हुआ। इसके ठीक पीछे FMCG, निजी बैंक क्षेत्र और फार्मा स्पेस में भी हमने कमजोरी देखी। वैसे हर सेक्टर हर पॉकेट में कमजोरी के साथ ही ट्रेड देखने को मिला, लेकिन मेजर लूजिंग सेक्टर्स अगर देखें तो वो ये तमाम थे जहां पर हमने देखा क्लियरली IT, FMCG, निजी बैंक और फार्मा शामिल थे। तो क्लियरली ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार से हमारे लिए क्यूज नहीं थे क्योंकि अमेरिकी बाजार क्लोज थे, लेकिन अब जब अमेरिकी बाजार खुलते हुए आज देर शाम दिखेंगे, कल उनके सेंटिमेंट्स कैसे नजर आते हैं देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो बाजार में आज के कारोबार की बात हुई है, लेकिन ईडी नाउ स्वदेश पर हम आपके लिए बाजार के उत्तम एक्सपर्ट्स भी लेकर आते हैं जो अपनी राय और अपने व्यूज रखते हैं। तो IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन का कहना है कि यहां पर बाजार माहौल है, गिरावट में खरीदारी का मौका है। उन्होंने कहा है कि